नमस्कार। नए सत्र में स्नातकोत्तर के प्रवेश की हलचल जारी है। हमारे अपने प्रदेश भर के उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 1250 ज़्यादा निजी एवं शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया कल से प्रारंभ होने वाली है। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए अपने महाविद्यालय में प्रवेश की मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये जो प्रक्रिया है पूर्णतया ऑनलाइन होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो विभाग द्वारा दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उसी प्रकार से 750 से ज़्यादा बीएड कॉलेजों के लिए भी प्रवेश की प्रक्रिया कल से प्रारंभ होने वाली है। कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी विभाग ने हमारी सामान्य प्रवेश की प्रक्रिया थी उसके बजाय उसमें संशोधन करते हुए ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन अपने प्रवेश भी पा सकते हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना के काल के बावजूद भी हमारी अपनी दैनंदिन की जो प्रक्रिया है एडमिशन की और बाकी व्यवस्था उसमें कोई विघ्न ना आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रक्रिया सबको पसंद भी आएगी और हम सब जितने संख्या में आपने एडमिशन चाहा है, विभाग चाह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रवेश दे दे। मैं एक बार फिर आपकी सबकी इस पूरी प्रक्रिया में सहयोग की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय श्री महाकाल। पढ़ाई में आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड में करिए डाउटनेट के साथ आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे क्वेश्चन आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6वीं से 12वीं IIT, JEE और नीट का सवाल हो, सभी सवालों को वीडियो सोल्यूशन बस आपको 5 मिनट में डाउटनेट ऐप पर मिलेगा। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रहा है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ की पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। नमस्कार। उच्च शिक्षा विभाग चूँकि 12th का रिजल्ट आ गया है, ऐसे में फर्स्ट ईयर के एडमिशन प्रारंभ कर रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के पूर्व काल के कोई ऐसा नियम था जिस आधार पर अगर किसी विद्यार्थी का प्रकरण पंजीबद्ध है तो प्रिंसिपल चाहे तो उसको एडमिशन नहीं देगा। ये गलत कानून था, लेकिन इस कानून के बलबूते पर मुझे विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने और अन्य लोगों ने संपर्क किया और कहा कि यह निर्णय अपने को बदलना चाहिए। तो मैं सहमत हूँ इस बात से और मैंने उच्च शिक्षा कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी पे अगर कोई प्रकरण पंजीबद्ध है किसी थाने में, उससे किसी का भी प्रवेश रोका नहीं जाए, उनको सामान्य रूप से प्रवेश दिया जाए। प्रकरण चूंकि न्यायालय में जाने के बाद उसके गुणदोष के आधार पर सजा होती है, उसके बाद निराकरण होता है। केवल पंजीबद्ध मात्र से अगर किसी का प्रवेश रोकेंगे तो मुझे लगता है ये जाति होगी। लोकतंत्र में छात्र नेताओं पे कई बार ऐसे लोक हितैषी मुद्दों को लेकर जब वो आंदोलन करते हैं तो कई बार प्रकरण पंजीबद्ध होते रहे हैं। तो इसलिए इस आधार पर केवल पंजीबद्ध होने से जब लोकसभा विधानसभा के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, तो किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश रोकना ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि हर विद्यार्थी को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और इस आधार पर उच्च शिक्षा विभाग सबको प्रवेश देने जा रहा है।